नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भारती चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहलगांव में स्थित बटेश्वर नाथ धाम। भागलपुर से 25 किलोमीटर पूर्व की ओर जाने पर आपको बटेश्वर नाथ धाम मिलेंगे। खास विशेषता यहाँ की है, बटेश्वर नाथ धाम जब आप जाएंगे यहाँ तरह तरह की गुफाएं मिलेगी आपको, और गुफाओं के अंदर जाने के बाद बहुत ही ठंडक महसूस होती है। खास बात एक और भी है, आप जहाँ जहाँ भी शिव मंदिर गए होंगे तो शिव मंदिर के ठीक सामने पार्वती माँ की मंदिर होती है, लेकिन बटेश्वर स्थान में जब आप जाइएगा तो यहाँ शिव मंदिर के ठीक सामने आपको काली माता की मंदिर मिलेगी, और ये दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ मंदिर है, जहाँ की आपको शिव भगवान के मंदिर के ठीक सामने काली माँ के मंदिर मिले। तरह तरह के तंत्र विद्याएं यहाँ पर, आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है पास में ही 3 किलोमीटर दूर, जहाँ की आप जाएंगे तो तंत्र विद्या का ही विश्वविद्यालय है ये, और तंत्र विद्या के विश्वविद्यालय से 3 किलोमीटर दूर आपको मिलेगा बटेश्वर स्थान धाम, जहाँ की एक तरह से तंत्र विद्या के एग्जाम होते थे। आज भी जो भक्त होते हैं, भक्तों का परीक्षा यहाँ हुआ होता है। आप माघ महीना के पूर्णिमा के दिन जब आप यहाँ आएंगे तो 3 दिनों का मेला होता है, बहुत ही भयंकर मेला होता है, बहुत ही जाम होता है, क्रश होता है, लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और देखते हैं। और जो भक्त होते हैं, भक्त का परीक्षा होता है, या परीक्षा में पान रखा जाता है, और 5-7 पान भक्त के नाम से रखा जाता है, जिसमें से एक पान भक्त के नाम का होता है, और भक्त आकर के अगर अपना पान उठा ले तो उसे परीक्षा में पास कर दिया जाता है। आप देखेंगे बटेश्वर स्थान धाम के ठीक बगल में ये गुफाएं हैं, आप देख रहे हैं, मैं लेकर के चलता हूँ आपको गुफा की तरफ। कई प्रकार की गुफाएँ यहाँ पर हैं, लगभग 10-20 गुफाएं यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन मतलब आप काउंट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी गुफाएं हैं। ब्रिगेडियर निवास गोपाल दा ये यहाँ पर रहते हैं, गुफा के अंदर बाबा रहते हैं। मैंने इनसे बात भी किया है, इनसे पूछा कि गुफा कहाँ जाती है, तो बाबा बताते हैं कि बहुत दूर दूर तक ये गुफाएँ जाती है, देवघर जाती है, बासुकीनाथ धाम जाती है, लेकिन ऐसा कोई रिसर्च अभी तक नहीं है, लेकिन कई गुफाएँ हैं इसमें। बहुत ही अंधकार होता है इस गुफाओं के अंदर में, अभी तक कोई साइंटिस्ट इसका पता नहीं लगा पाया है कि ये गुफाएं आखिर कहाँ तक जाती है, अलग अलग जगहों में जाती है। जैसे आप एक गुफा में अगर आप अंदर गए तो वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद फिर 2 लाइन हो जाती है गुफा की, और उस 2 लाइन में फिर आप आगे जाएंगे तो फिर उसकी 2 लाइन हो जाती है। इस तरह से कई गुफाएँ ऐसे है, मतलब भूलभुलैया टाइप की गुफाएँ हैं, आप यहाँ पर घूमने के दृष्टि से जा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार जगह है। भगवान शिव का आराधना करें, गुफाएं घूमें। बगल में विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहाँ आप घूम सकते हैं। म्यूजियम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंदर, जहाँ तंत्र विद्या की पढ़ाई होती थी। आप देख सकते हैं नालंदा और विक्रमशिला और तक्षशिला, ये सब विश्वविद्यालय एक ही श्रेणी के आते हैं, लेकिन उसमें से विश्वविद्यालय जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये तंत्र विद्या के विश्वविद्यालय है। अब पास में ही आप यहाँ पर देखेंगे कि बटेश्वर स्थान धाम के ठीक बगल में श्मशान घाट है, बहुत ही बड़ा सा श्मशान घाट है, जहाँ की सिद्धि भी होती है, तंत्र विद्या की सिद्धि होती है। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ के बाबा बता रहे थे कि अगर आप वहाँ रात में देखेंगे तो जिस दिन सब नहीं आती है उस दिन ऑटोमेटिक सब जलने लगता है। मीन्स अगर वहाँ लाश आती है जलने के लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, जिस दिन नहीं आती उस दिन अपने आप वहाँ पर लाशें जलने लगती है, ये वहाँ रहने वाले प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया। दोस्तों मैं एक बात और बता दूँ आपको, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तभी हम मुझे हौसला मिलेगा, मैं तरह तरह की वीडियो हमेशा डालता रहूँगा। बटेश्वर स्थान धाम एक बार जरूर
का शक्ति पीठ है ये, और बगल में आपको मिल जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आप वहाँ भी घूम सकते हैं। भागलपुर से आप ट्रेन के द्वारा भी आ सकते हैं, भागलपुर से बाय रोड भी आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है, आप आइए एक बार घूमने के लिए।